नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल सैम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस में पूछे जाने वाले साइंस की 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पट्टा सेट लेकर के आया हूँ। अगर आप सभी लोग दिन रात मेहनत करके अपने एग्जाम की तैयारी करें तो आप सभी लोग हमारे इस पट्टा सेट में 30 प्रश्नों में से आपको 15 प्रश्न सही करने ही होंगे। अगर आप 15 प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं और अपने माता पिता के सपनों को आप साकार नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना इसको जरूर शेयर करना है और बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको प्रैक्टिस सेट कैसे लगा। इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाएगी। उनकी तैयारी बिहार पुलिस परीक्षा और मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए उनकी तैयारी कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना साइंस का 30 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि रिबोफ्लोबिन है, बताइएगा रिबोफ्लोबिन क्या है। तो क्या है रिबोफ्लोबिन? तो ये है विटामिन। क्या है? विटामिन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने रबड़ के बल्कलाइजेशन में प्रयुक्त तत्व है। तो कौन सा तत्व रबड़ के बल्कलाइजेशन में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है सल्फा, जिसका प्रतीक है एस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जल। क्या? जल पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संक्रामक रोगों को बचाने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम है। तो कौन सी औषधि दी जाती है संक्रामक रोगों को बचाने के लिए? तो ये दी जाती है सल्फाफिथियोलॉज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संश्लेषित दवा का उदाहरण है। तो कौन सा है संश्लेषित दवा का उदाहरण? तो संश्लेषित दवा है एस्पिरिन। कौन सी है? एस्पिरिन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कृत्रिम रेशा का निम्नलिखित नाम भी है। तो कृत्रिम रेशे का एक अन्य नाम कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसका अन्य नाम रेयॉन। कौन सा है? रेयॉन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सी प्रोटीन जिम्मेदार है। तो कौन सी प्रोटीन जिम्मेदार है और रक्त का थक्का बनाने के लिए? तो ये जिम्मेदार है एल्बुमिन ए। एल्बुमिन ए जिम्मेदार है रक्त का थक्का बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आयोडीन युक्त हार्मोन है। तो कौन सा हार्मोन है आयोडीन युक्त ये आपको बताना। तो ये थायरोक्सिन। कौन सा है? थायरोक्सिन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है। तो किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है डब्ल्यू वाटसन के द्वारा। किसके? डब्ल्यू वाटसन के द्वारा कहा गया है आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। होमोसोपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो किसका वैज्ञानिक नाम है होमोसोपियंस ये आपको बताना है। तो ये है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। किसका है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसोपियन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्थि एवं सीमेंट में कौन सा तत्व समान है? तो कौन सा तत्व समान है अस्थि एवं सीमेंट में? तो इसमें समान है कैल्शियम। कौन सा है? कैल्शियम समान है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भोजन की पाचन क्रिया शुरू होती है। तो कहाँ से शुरू होती है भोजन की पाचन क्रिया ये आपको बताना है। तो ये शुरू होती है मुँह से। कहाँ से? मुँह से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि मानव शरीर में जल का परिमाण लगभग होता है। तो कितने प्रतिशत होता है मनुष्य के शरीर में जल? तो ये होता है 65 से 80%। कितना? 65 से 80% होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
पित्र स्रावित होता है तो कहाँ से होता है पित्र स्रावित, ये आपको बताना। तो ये स्रावित होता है लीवर से। कहाँ से होता है? लीवर से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक औसत वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है तो कितनी होती है मानव के शरीर में हड्डियां, ये आपको बताना है। तो कितनी होती हैं? तो ये होती हैं 206। कितनी? 206 होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है? तो नेत्र गोलक किस सेट के द्वारा संचालित होता है? तो ये संचालित होता है 6 मांसपेशियों के द्वारा। किसके? 6 मांसपेशियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि मानव शरीर के संबंध में किसने पूर्ण विवरण दिया था? तो किसने पूर्ण विवरण दिया था मानव शरीर के संबंध में? तो ये पूर्ण विवरण दिया था विलियम हार्वे ने। किसने? विलियम हार्वे ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर में निम्न में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मनुष्य के शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, ये आपको बताना है। तो सबसे लंबी हड्डी होती है जांघ की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूरॉन इकाई है तो बताइए कि न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो किसकी इकाई है न्यूरॉन, ये आपको बताना। तो न्यूरॉन इकाई है तंत्रिका ऊतका। किसकी? तंत्रिका ऊतका की सब इकाई है न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी मानव की आंख के रेटना पर बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा प्रतिबिंब होता है किसी मानव की आंख के रेटना पर बना प्रतिबिंब? तो ये होता है वास्तविक एवं उल्टा। कैसा? वास्तविक एवं उल्टा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चार युक्त समुदाय ए बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समुदाय दाता वैश्विक कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है दाता वैश्विक? तो ये कहलाता है ओ। कौन सा कहलाता है? ओ कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर में रुधिर के स्कंदन में निम्नलिखित में से किस खनिज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो किस खनिज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है मानव शरीर के स्कंदन में? तो ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है कैल्शियम की। किसकी होती है? कैल्शियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि की जाती है तो मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि किससे की जाती है, ये आपको बताना है। तो ये की जाती है ब्रिक द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिक के द्वारा रक्त की परिशुद्धि की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो कौन सा विटामिन भाग लेता है खून को बहने से रोकने के लिए? तो ये लेता है विटामिन के भाग। कौन सा? विटामिन के भाग लेता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रक्त का पीएच मान होता है तो कितना होता है रक्त का पीएच मान, ये आपको बताना है। तो रक्त का पीएच मान होता है 7 और 8 के बीच में। कितना? 7 और 8 के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त उदाहरण है तो रक्त किसका उदाहरण, ये आपको बताना है। तो रक्त है संयोजी ऊतक का उदाहरण। किसका? संयोजी ऊतक का उदाहरण है रक्त। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है तो क्या है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य, ये आपको बताना है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या? ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पाचन और श्वसन नलियाँ कहाँ क्रॉस होती हैं तो कहाँ पर क्रॉस होती हैं पाचन और श्वसन नलियाँ, तो ये क्रॉस होती हैं ग्रासिका में। कहाँ पर होती हैं? ग्रासिका में क्रॉस होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि होती है तो कितनी होती है मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं की जीवन अवधि, तो ये होती है 120 दिन। कितनी? 120 दिन होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न आज के पिट्टे सेट का कि सबसे कम
विषालु नाइट्रोजनी अपशिष्ट है तो कौन सा है सबसे कम विषालु नाइट्रोजनी अपशिष्ट, तो ये है यूरिया। कौन सा है? यूरिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथी।